हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे धीरे धीरे करके डिटेल में तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है लाइट के बारे में पढ़ते हैं लाइट एक्चुअल में होता क्या है देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब बहुत सारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स को मींस ये जो हमें दे रखी है गामा रेज एक्स रेज यूवी रेज इन सब का जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है ना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं जैसे कि ये वेव्स है ठीक है गामा रे एक्स रे यूवी रे इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव्स तो ये जब इस तरीके से अरेन्ज होती है इधर साइड से लेके इधर साइड तक तो ये वेवलेंथ लेंथ इधर की तरफ बढ़ती जा रही है मतलब गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम थी फिर इधर इधर इधर, 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 इधर वेवलेंथ इंक्रीज होती गई और रेडियो वेव की तरफ वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम हो गई ठीक है अभी क्या होता है कि जब इस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अब इसमें जो विजिबल पार्ट होता है जो यू ये देखो ये यूवी है ये इंफ्रा है इसके बीच में कौन सा पार्ट है ये पार्ट जो है ये विजिबल पार्ट होता है जो हमें दिखता है जो हमें विजिबल होता है इसकी कितनी होती है जो वेबलन की अगर हम बात करें तो थ्री से लेकर सेवन नैनोमीटर ठीक है ये होता है विजिबल पार्ट इसको ही लाइट बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एक वर्ड है जिसको पार बोलते हैं वो क्या होता है प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वो भी एक्चुअल में विजिबल लाइट ही है उसकी रेंज कितनी होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर यानी कि जो विजिबल लाइट थी जो हमें दिख रही थी 390 से लेके 760 नैनोमीटर एप्रोक्सीमेटली वही रेंज है ये भी 400 से लेके 700 नैनोमीटर ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की रेंज हो गई ठीक है अब जो रेडिएशंस बिलो बिलो द विजिबल लाइट होती हैं लिखा है ना जो रेडिएशंस बिलो द विजिबल लाइट है आप देखिए विजिबल लाइट के बिलो इधर देखिए कौन सी है यूवी अल्ट्रावायलेट और जो रेडिएशन अब विजिबल लाइट है वो है ये इंफ्रा रेड या इंफ्रा को हम हीट वेव्स भी कहते हैं ठीक है अब जो लाइट का अमाउंट होता है जो लाइट की इंटेंसिटी होती है किसी एक जगह पे वो सीजन के हिसाब से लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करती रहती है ठीक है लोकेशन के हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट आती है एक जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी होती है लाइट की ठीक है अभी इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स प्लांट्स के लिए लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे पहले तो पता है कि लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो फिर ऑर्गेनिक फूड जो प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट दूसरी चीज की जो लाइट की क्वालिटी है मतलब कितनी उसकी वेवलेंथ है कितनी दूर तक वो जा सकती है दूसरी चीज उसकी क्वांटिटी मतलब कितनी इंटेंस है वो लाइट कितनी कहते हैं ना लो लाइट आ रही है या फिर हाई हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है कम है या लाइट या ज्यादा है तीसरी चीज उसकी ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए लाइट आ रही है कितना लंबा फोटो पीरियड है इन सब चीजों से इफेक्ट होते हैं हमारी फोटोज अंदर से सो गई प्लांट्स की डेवलपमेंटल फीचर्स हो गए और ग्रोथ रिप्रोडक्शन मूवमेंट्स और फिनोलॉजी यहाँ पर एक टेरा टर्ब आ रहा है फिनोलॉजी फिनोलॉजी क्या होता है आपको पता होना चाहिए अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कह देते हैं कि फिनोलॉजी जो है वो फिनोटाइप की स्टडी है पर ये गलत है फिनोलॉजी जो है वो एक आप कह सकते हो कि आ, मतलब जब सीजनल वेरिएशंस की वजह से तो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो चेंजेस आते हैं तो उस उसकी स्टडी जो हम करते हैं जो पीरियड पीरियोडिक चेंजेस जो हो रहे हैं पीरियोडिक इवेंट्स जो हो रहे हैं उसकी स्टडी जब हम करते हैं प्लांट्स में तो उसको फिनोलॉजी कहा गया इट इज़ द स्टडी ऑफ पीरियोडिक इवेंट्स जो कि किस वजह से हो रहे हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल एंड दैट आर बिकॉज ऑफ सीजनल वेरिएशन ठीक है अब बहुत सारे प्लांट्स तो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग जैसे कि फ्लावरिंग वो तभी करेंगे जब उनको सनलाइट मिलेगी एक प्रॉपर फोटो पीरियड मिलेगा ठीक है अब लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से इवन प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में एक को बोलते हैं हम हेलियोफाइट्स हिलियोफाइट्स किन को बोलते हैं जिनको हाई इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए और जो प्लांट्स को लो इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है कम लाइट चाहिए होती है वो शेड वाले एरिया में भी ग्रो कर जाते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं स्कीोफाइट्स ठीक है देखो बहुत सारी फॉरेस्ट में क्या होता है फॉरेस्ट में बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं ठीक है अब वो लंबे लंबे ट्रीज को तो सनलाइट ज्यादा मिल गई तो वो ज्यादा सनलाइट हाई इंटेंसिटी की सनलाइट में वो सरवाइव करते हैं तो उनको हमने बोल दिया हेलियोफाइट ठीक है अब जो छोटे हर्ब्स और श्रब्स होते हैं उनको तो सनलाइट मिल नहीं पाती क्यों क्योंकि जो बड़े ट्रीज होते हैं उनकी शेडो आ जाती है ऊपर तो उस वजह से वो हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं वो दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज अंडर लो कंडीशन मतलब ये अडेप्टेशन उनके अंदर आ जाती है कि अगर लाइट की कंडीशन लो भी है कम भी है वो फिर भी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे उनको बोलते हैं स्कीूफाइट ठीक है अब लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स के लिए देखो बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं कि सीजनल वेरिएशन जो होते हैं इन द लाइट इंटेंसिटी मतलब सीजन के हिसाब से लाइट बदलती है, है ना कि गर्मियों में ऐसा होता है कि ज्यादा लंबे टाइम तक लाइट रहती है ज्यादा लंबे टाइम तक फोटो पीरियड होता है मतलब लाइट का पीरियड ज्यादा लंबे टाइम तक होता है दिन बड़े होते हैं और विंटर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है ठीक है तो जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं लाइट की इंटेंसिटी में जो ड्यूरेशन चेंज होती है लाइट की कि कब ज़्यादा है फ़ोटो पीरियड कब कम है तो ये सब एक क्यू होते हैं एनिमल के लिए क्या क्यों होते हैं कि एनिमल को इस सब चीज़ों से पता चलता है कि उनको फॉरेजिंग कब करनी है रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड कब है माइग्रेशन कब उनको करना है कब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना है तो ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स को पता चलती है वो फ़ोटो पीरियड से पता चलती है लाइट में जो चेंजेस होते हैं वेरिएशन होते हैं तो उससे पता चलती हैं ठीक है ये एक छोटा सा पार्ट है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यूवी स्पेक्ट्रम का वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं अगर आप लेकिन फिर भी पता होना चाहिए यूवी कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल है बस यूवी कंपोनेंट जो होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा ना यू जो यू वी थी यू वी था वो यू वी जो होता है ना वो हार्मफुल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक है अब यू वी यू रेस थ्री टाइप्स की होती है एक तो होती है यू सी एक होती है बी और एक होती है ए अब यूवी सी जो होती है सबसे ज्यादा लीथल होती है सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है उसकी वेवलेंथ होती है हंड्रेड से लेकर टू नैनोमीटर ठीक है अब यूवी बी जो होती है क्वाइट हार्मफुल थोड़ी बहुत हार्मफुल होती है इसकी वेवलेंथ होती है टू से थ्री नैनोमीटर यूवी ए जो है इट इज मॉडरेटली हार्मफुल बहुत कम हार्म करती है इसकी वेवलेंथ होती है 320 से 400 हंड्रेड नैनोमीटर क्या होता है ना कि स्टेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है ठीक है ये क्या क्या है क्या है मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने जब एटमोस्फेयर पढ़ाया था तो उसमें लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर भी पढ़ाई है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं तो जो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वहां पर क्या होता है कि ये यूवी सी और यूवी बी को एब्जॉर्ब कर लेती है वो ओजोन लेयर ये यूवी सी और यूवी बी को एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर क्योंकि बहुत हार्मफुल है अगर अर्थ पे आ गई तो बहुत हार्म करेगी ये तो ऑर्गेनिजम्स uh, को तो इसलिए सी और बी तो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है ओजोन लेयर तभी तो कह रहे हैं कि जो ओजोन होल है वो नहीं होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये ओजोन होल होता चला जा रहा है ये जो गैसेज uh, यूज़ करते हैं हार्मफुल गैसेज एंड और क्लोरोफ्लोर कार्बन वजह से ओजोन होल हो रहा है ना तो ओजोन होल हो गया वहाँ पे अगर ओजोन लेयर कम हो गई तो ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन से ये अर्थ पे आ जाएंगी तो अब ये सी और बी तो वहीं पे अब्सॉर्ब हो गई ओजोन लेयर में अब कुछ अमाउंट जो यू वी ए का बचा होता है मॉडरेटली हार्मफुल जो है या यूवी बी का कुछ अमाउंट जो बचा, बचा होता है इट इज डिसिपेटेड बाय द पार्टिकल ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर होती है जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारे एटमोस्फेयर की अर्थ के पास तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसको दे रिफ्लेक्ट बैक वो दे डिसिपेट दिस वो बाकी बच्ची कुची जो यूवी रेस होती हैं वो ये संभाल लेते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो यूवी रेस है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है इससे ज्यादा नहीं आती इसलिए ये यूवी रेस का बचाव हो जाता है अब लेक्स के अंदर लाइट जोनेशन uh, कैसा रहता है वो जरा देख लेते हैं देखो ल, इससे ये मतलब इसकी थ्योरी भी है ये देखिए आप यहाँ पर थ्योरी भी आपको कंप्लीट मिलेगी कि लेक्स में कौन सा जोन होता है और लाइट वहां पे कैसे वैरी करती है लेकिन इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये लेक का एक फिगर बनाया गया आप समझ लीजिए कि लेक में किस तरीके से लाइट आ रही है देखो यहाँ ये सन है ठीक है ये सन से लाइट आई ये सन से लाइट आई सबसे पहले आप ये देखिए ये वाला जो जोन है जो सबसे पास है यहाँ पर लाइट भी प्रॉपर आ रही है वाटर भी यहाँ ओशियन से इसको प्रॉपर मिल रहा है लेक से नीचे सॉइल भी है यहाँ पर तो यहाँ पर जो होता है ये सबसे ज्यादा हाईली प्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लिटरल जोन हाईली प्रोडक्टिव क्यों है क्योंकि इसको यहाँ से सनलाइट भी प्रॉपर मिल रही है नीचे से सॉइल भी प्रॉपर मिल रही है इधर से वाटर भी प्रॉपर मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये हाईली प्रोडक्टिव है प्लांट्स वगैरह आपको यही में मिलेंगे ज्यादा ठीक है इसको बोलते हैं लिटरल जोन सेकेंड आता है लिमनेटिक जोन लिमनेटिक जोन क्या होता है ओपन वाटर बॉडी ये देखो ये लेक है इसके अंदर ये सारा वाटर दिख रहा है आपको ये ओपन वाटर बॉडी का जो ये सबसे आ, मतलब आ, आप मान सकते हैं कि ऊपर वाला सरफेस है इसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन यहाँ पर प्लैंकटन ज्यादा होते हैं प्लैंकटन समझते हो ना वाटर बॉडी में जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं तो वो यहाँ पर होते हैं सर्फेस पे लिमनेटिक जोन बोलते हैं यहाँ पर भी आपको ये देख सकते हैं कि ये प्रॉपर लाइट भी आ रही है वॉटर भी है यहाँ पर है ना थर्ड जो जोन आता है वो आता है यूफोटिक जोन यूफोटिक जोन कौन सा जोन होता है जहां पे मैक्सिमम लाइट आ रही है अब द लाइट कम्पेंसेशन पॉइंट ये देखो ये लाइन जो शो हो रही है ये दिखाया गया है लाइट का कंपेन्न पॉइंट है मतलब इसके नीचे लाइट नहीं जा रही आप देखो सन से रेज आ रही है यहीं तक तो दिखाई हुई है यहाँ पे और यहाँ पर इसके नीचे लाइट नहीं जा रही तो ये क्या है लाइट का कंपेन्सेशन पॉइंट है कंपेन्सेशन पॉइंट के ऊपर ऊपर जो मैक्सिमम लाइट आ रही है वो यू जोन में आ रही है ठीक है जहां पर मैक्सिमम लाइट आ रही है उसको यूफोटिक जोन बोला है और जहां पर थोड़ी डिफ्यूज लाइट आ रही है कम लाइट आ रही है उसको बोला है डिस्फोटिक जोन और इसके जस्ट नीचे मतलब जो लाइट कंपेंसेशन पॉइंट है इसके जस्ट बिलो जहां बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है उसको ए फोर्टिक जोन बोला है मतलब लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर ठीक है डिस्फोटिक जोन जो है जहां पर डिफ्यूज लाइट आ रही है हल्की फुल्की लाइट आ रही है उसको ट्वी लाइट जोन भी बोलते हैं अब इधर देखो जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं आ रही उसको क्या बोला गया है प्रोफंडल जोन बोला गया है जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं आ रही ये लाइट कम्पेंसेशन पॉइंट के नीचे दिखेंगे आपको क्योंकि लाइट कम्पनसेशन वो पॉइंट है जहां से नीचे लाइट नहीं जा रही तो वहां पे नीचे दो ही जोन है प्रोफंडल जोन है और बेंथिक जोन है पहले प्रोफंडल जोन आएगा जहां पे डार्कनेस होगी और बेंथिक जोन आएगा जहां पे परपेचुअल डार्कनेस बहुत ज्यादा डार्कनेस है मतलब ही नहीं बनता कहीं से कहीं तक लाइट का ठीक है तो ये लाइट जोनेशन थी इसके इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एलगी वगैरह जो होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं लेक्स के अंदर वो भी लाइट के अकॉर्डिंग ही मैनेज होता है तो ये आपने पहले जोन पढ़ लिए ठीक है ये इनकी थ्योरी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही है आप देख लीजिएगा थ्योरी आप नोट डाउन कर सकते हैं लिटरल जोन में क्या होता है लिमनाटिक में क्या होता है यूफोटिक डिस्फोटिक प्रोफंडल और बेंथिक जोन में क्या होता है ये एक छोटा सा टॉपिक है लाइट का क्रोमैटिकेशन जो आपको पता होना चाहिए देखो अब जो लेक है जो ओशियन है जो जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो रेड एलगी होते हैं ब्राउन एल्गी होते हैं ग्रीन एलगी होते हैं ये ना पिगमेंट्स के हिसाब से जो इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना पता है ना रेड एलगी में कौन से पिगमेंट्स होते हैं फाइको इराथिन फाइकोसियानिन होते हैं और जो ये ब्राउन एलगी है इसमें फ्यूकोज होता है ग्रीन एलगी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होता है तो ये इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट्स हैं उस हिसाब से ये क्या करते हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मतलब कौन सा ऐसा एलगी है जो वाटर सरफेस के सबसे ऊपर रहेगा कौन सा एलगी है जो वाटर सरफेस में सबसे नीचे डीप जो है वो वहां पर डीप में चला जाएगा तो वो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके पिगमेंट्स के हिसाब से वेरी करता है और इस प्रोसेस को इस अडेप्टन को बोलते हैं क्रोमैटिक अडेप्टन मतलब क्रोमैटिक नाम से पता चल रहा है कि कलर के अकॉर्डिंग हो रही है तो क्रोमैटिक अडैप्टेशन बोलते हैं ठीक है है प्रोसेस क्या होता है? कि ये जो प्लांट्स हैं मतलब जो ओशन में जो वाटर बॉडी में जो प्लांट्स रह रहे हैं तो जो डेप्थ पे रहते हैं अलग अलग डेप्थ पे रहते हैं ना कोई लोग तो बिल्कुल ओशन के ऊपर रहते हैं कोई ओशन के बीच पोर्शन तक रहते हैं कोई ओशन में बिल्कुल डीप तक जाते हैं तो क्या होता है कि इनको सारे कम कलर कंपोनेंट तो मिलते नहीं विजिबल स्पेक्ट्रम के विजिबल स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारी चीजें होती है ना विजिबल लाइट में विप ग्योर पड़ा होगा आपने विजिबल लाइट में क्या होता है विप ग्योर इंडिगो ब्लू ग्रीन है ना येलो ऑरेंज रेड तो सारे कलर्स नहीं मिल पाते इन लोगों को क्या होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वो लाइट के अकॉर्डिंग होता है मतलब जहां लाइट पहुंचेगी उस हिसाब से देखो ज्यादा डिटेल में अब आपको समझ में आएगा जैसे कि रेड एल्गी की थे ठीक है रेड एलगी के अंदर जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ठीक है वो क्या करते हैं ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है अब जो ब्लू ग्रीन लाइट है ये लाइट सबसे डीप तक चली जाती है कोस्टल वाटर में इसका मतलब क्या है कि रेड एलगी भी डीप पार्ट तक रहेंगे ग्रेटेस्ट डेप्थ तक रहेंगे भाई रेड एलगी को सरवाइव करने के लिए फोटोसिंथेसाइज करने के लिए ब्लू ग्रीन लाइट चाहिए और वो ब्लू ग्रीन लाइट उनको बिल्कुल डीप में मिल रही है ओशन के तो वो ग्रेटेस्ट डेप्थ में ही रहेंगे वो भी डीप में ही रहेंगे दूसरी चीज देखो ग्रीन इनके पिगमेंट्स कौन से होते हैं क्लोरोफिल ए और बी अब ये किसको एब्सॉर्ब करते हैं ये ब्लू लाइट को या फिर रेड वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं अब ये जो लाइट होती है ब्लू और रेड ये ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती ये सी के सरफेस तक ही रहती है तो इसका मतलब वो ग्रीन एलगी है ये सिर्फ शैलो पोर्शन में रहेंगे ओशन के वाटर बॉडी के ऊपर ऊपर ही रहेंगे बिल्कुल ऊपर सरफेस पे ठीक है तीसरी चीज़ क्या है ब्राउन एलगी ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट वेवलेंथ को वेब करते हैं इंटरमीडिएट मतलब ठीक ठाक ना ना ज्यादा ज्यादा हाई वेवलेंथ वेवलेंथ वाले चाहिए ना लो की लाइट चाहिए इंटरमीडिएट वेवलेंथ जो है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करेंगे इसलिए ये इंटरमीडिएट डेप्थ पे होंगे आप समझ रहे हैं बात कि मतलब जो लाइट रेड एल्गी सबसे ओशन के सबसे नीचे क्यों होते हैं क्योंकि जो लाइट उनको चाहिए वो लाइट बिल्कुल डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है इसलिए ग्रीन एलगी बस सरफेस के ऊपर ऊपर क्यों दिखते हैं क्योंकि जो लाइट उनको चाहिए वो लाइट सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर तक रहती है ओशन के डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और ब्राउन एलगी आपको ओशन में या लेक में मिडिल इंटरमीडिएट लेवल पे क्यों मिलेंगे क्योंकि उनको जो लाइट चाहिए वो इंटरमीडिएट लेवल वेवलेंथ की चाहिए ना ज्यादा डीप पेनिट्रेट करे ना शैलो वाटर सरफेस तक रहे तो ये था क्रोमैटिक अडेप्टेशन किस तरीके से रेड ग्रीन और ब्लू ब्लू एलगी वर्टिकली अरेंज होते हैं किसी लेक में किसी वाटर बॉडी में किसके अकॉर्डिंग अपने एसेसरी पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग तो लाइट के रेस्पेक्ट uh, में अगर आप देखें तो इतना काफ़ी था आपके लिए कि लाइट का बेसिक पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया उसके बाद प्लांट्स uh, के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है लाइट एनिमल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिक अडेप्टेशन कैसे होता है तो लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे कैसे होते हैं हीलियोफाइट्स होते हैं स्कीोफाइट्स होते हैं तो इट वॉज मोर देन इनफ नोट्स भी आपके लिए इनफ है आप यही प्रिपेयर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम एक uh, दूसरा एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे दैट इज टेम्परेचर तो क्लास के साथ जुड़े रहिए चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और ऐसे इस इसी तरीके से नोट्स के साथ साथ हम इकोलॉजी को भी कवर कर लेंगे थैंक यू सो मच